नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड की। 50 रुपीज का स्टॉक है, 50 रुपीज का मार्क इसने टच कर लिया है। यहाँ से कहाँ जाएगी कहानी, 70,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप यहाँ पर हो चुका है। कितना बड़ा निवेश है यहाँ पे, बात करेंगे इस बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेड बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 52 वीक हाई जो है इसका, वो 52 रुपीज के आसपास का है। ऑल टाइम हाई से अभी बहुत ही दूर है। कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, वहां से नीचे आई और अभी के लिए अगर देखेंगे तो 50 रुपए का मार्क, 3 रुपए तक भी ये कंपनी गई है। 3 रुपए पर भी मैंने बोला था कि इस कंपनी को बाय करो और बहुत बढ़िया चलेगी। इस पॉइंट पर भी अगर आप देखेंगे तो मैं यही बोलूंगा कि कंपनी अभी नॉट डन स्टेज में है और यहाँ से भी ये काफी ऊपर जाएगी। 33% के आसपास का मार्केट कैप कंपनी का है। बड़ी खबर क्या है उसकी भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। 33% के आसपास का मार्केट कैप कंपनी होल्ड करती है, उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ मात्र 50 रुपए में मिल रही है आपको। वॉल्यूम भी आज तगड़ा आया है, 113-114 मिलियन शेयर्स के आसपास का वॉल्यूम यहाँ पर रहा है। तो मुझे लगता है कि बाजार में इस कंपनी को लेकर के, इस खबर को लेकर के काफी चर्चा यहाँ पर बढ़ेगी आने वाले दिनों में। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बाजार में इस स्टॉक की चर्चा और बढ़ने वाली है, और ज्यादा यहाँ पर वॉल्यूम आएगा और ज्यादा प्राइस यहाँ पर तेजी से बढ़ेगा। बाजार जहाँ पर थोड़ा सा मंद स्थिति में रहा, वहीं पर अगर आप सुजलॉन की बात करेंगे तो सुजलॉन में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। धीरे धीरे करके अगर आप इसके फाइनेंसिस की बात करें तो फाइनेंसिस में भी काफी अच्छे चेंजेस हैं। रेवेन्यू के तौर पे 1400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू यहाँ पर कर लिया है। 8% के आसपास का मार्जिन है। कंपनी मार्जिन में अभी भी लैग कर रही है क्योंकि विंड टर्बाइन बनाती है, तो विंड टर्बाइन में इतना मार्जिन आता नहीं है। ऑर्डर्स कंपनी के पास दुनिया भर से हैं, बट उसके बावजूद भी कंपनी थोड़ा सा अभी स्लो मूविंग बन चुकी है। नेट प्रॉफिट की जहां तक बात है, पिछले 3 से 4 क्वार्टर काफी खराब रहे हैं कंपनी के। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 3 क्वार्टर काफी अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी लगातार अपने रेंज को बरकरार रख पाई है। बाजार में इस कंपनी की हवा चल रही है और हवा बनाने वाली कंपनी है, विंड टर्बाइन बनाने वाली कंपनी है, विंड एनर्जी में काम करने वाली कंपनी लंबा चलेगी। ये मैंने पहले भी कहा था, ये मैं अभी भी बोलूंगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की जहां तक बात रही है, आप देखिए 1 साल में कितना प्रॉफिट मिला आपको। 1 साल में 247% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। यहां पर बात करें तो 18% तो इसी महीने में दिया इसने। जहां पर दूसरी कंपनी जनवरी के बाद से स्लो हो गई थी, साइडवेज हो गई थी, मोमेंटम में आ गई थी, वहां पर सुलॉन अभी आपको 3 महीने में भी अगर आप देखें, 6 महीने में भी अगर आप देखें, तो इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट ही दिया है। बात बड़ी खबर की रही तो बड़ी खबर में कंपनी ने 70,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप इसने टच कर लिया, जो कि बड़ा मार्केट कैप होता है किसी भी कंपनी के लिए। 1 लाख करोड़ से बस बहुत ही कुछ दूरी पर रह गई है ये कंपनी। मुझे लगता है कि बाजार में इस कंपनी में 1 लाख करोड़ होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, जो कि आपका किसी भी कंपनी का एक गोल होता है कि उनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास का हो। हाउएवर इट गेव अप इट्स गेन्स पार्शियली इन द अर्ली सेशन। द स्क्रिप्ट हैड सेटल्ड एट 48.90 के आसपास सेटल हुआ था वेडनेसडे को। सुलॉन एनर्जी का 52 वीक हाई 52.19 के आसपास का है, जो कि 4 जून 2024 के आसपास से उसका लगा था। अभी के लिए अगर आप बात करें तो स्टॉक है जूम मोर देन 285% फ्रॉम इट्स 52 वीक लो। 52 वीक लो जो आपका है 13 रुपए के आसपास का, वहां से अभी भी काफी ऊपर निकल चुका है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहने के बाजार में अच्छा खासा यहाँ पर कवर कर रहा है। खरीदारी अभी भी यहाँ पर की जा सकती है, यानी ये बात दूसरी है, बट अगर अभी भी देखेंगे तो FIA का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है। वहीं पर अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड ने भी करोड़ों स्टॉक्स यहाँ पर बाय कर रखे हैं। FIA, FPI ने भी करोड़ों स्टॉक्स यहाँ पर बाय कर रखे हैं। बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है। क्या आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। हम इसमें बाय सेल टारगेट की जहां तक बात रही वो नहीं करेंगे। डिटेल्ड वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट करना, हम डिटेल्ड वीडियो करने की कोशिश करेंगे। एक्सिस ने एक बड़ा टारगेट दिया है, HFC ने बड़ा टारगेट स्टॉक को दिया है। 70,000 करोड़ का मार्केट कैप हासिल करने के बाद सभी ब्रोकरेज हाउसेस अपनी अपनी रिसर्च रिपोर्ट लेकर के आ चुके हैं। क्या कहती है उनकी रिसर्च रिपोर्ट, एवरेज टारगेट क्या है उसकी बात करें। अब देख लीजिए कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाय है, कोई भी ऐसा वो नहीं है जहां पर आपको यहाँ पर सेल का ऑप्शन आ रहा हो। बाइंग करने के लिए एक आदमी बोल रहा है और 4 एनालिस्ट ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग बाय का यहाँ पर रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो टारगेट्स हैं वो भी काफी हाई होंगे। क्या है टारगेट, गेस करना, नीचे कमेंट करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम टारगेट भी लेकर के आएंगे, साथ में टाइम फ्रेम भी लेकर के आएंगे, कितना टाइम फ्रेम आपको यहाँ पर कहाँ पर करनी है खरीदारी। चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक और चीज़ कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।